आजादी के दशकों बाद तक टूटी सड़कें, गंदे रेलवे स्टेशन, बदहाल ट्रेनें भारत की पहचान बनी रही। लेकिन पिछले 9 साल में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा। दर्जनों नए एक्सप्रेसवे देखे, स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देखी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। सड़क निर्माण में बेमिसाल काम। आजादी के बाद पहले 65 सालों में कुल 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने केवल 9 सालों में 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण करके नया रिकॉर्ड बनाया है। 2014 से पहले की सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास कछुए की चाल चल रहा था। 2014 के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास चीते की रफ्तार की तरह हो रहा है। भारतमाला परियोजना, गति शक्ति परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण आज भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। साथ ही आज भारत रिकॉर्ड 100 घंटे में 100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव। आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। 85% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ आज भारत दुनिया का दूसरा ग्रीन रेल नेटवर्क बन गया है। इसके अलावा आजादी के बाद पहली बार कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के शहरों तक रेलवे का विस्तार इन्हीं 9 सालों में हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जापान को पीछे छोड़ भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आम आदमी की पहुंच में हवाई सफर। उड़ान योजना की वजह से आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में भारत में एयरपोर्ट की संख्या 74 से दोगुनी होकर 148 हो चुकी है, जिसका परिणाम ये है कि आज भारत दुनिया का तीसरा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। कोने कोने तक पहुंचा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार में देश को अनेकों टनल की सौगात मिली और 31 टनल पर तेजी से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने सदियों तक अनदेखी का शिकार रहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया। 75 साल बाद पहली बार मालगाड़ी मणिपुर पहुंची। असम को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। आज विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत में है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल भारत में है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिससे भविष्य के एक विकसित भारत की नींव रखी जा चुकी है।